पता है एक्सट्रीम क्या होता है? एक्सट्रीम होता है -20 degrees। एक्सट्रीम होता है उसमें बर्फ़ जमी हुई हो सड़कों पे और उस पर आपको एक 3 ton की मोटरहोम चलानी हो। एक्सट्रीम होता है जमी हुई लेक पे गाड़ी चलाना। एक्सट्रीम होता है एक ऐसी कंट्री में जो कि टूरिस्ट से लबालब भरी हो लेकिन वहाँ पे विंटर्स में कोई नहीं जाता हो, वहाँ पे विंटर्स में जाना। क्यों नहीं जाता है विंटर्स में कोई? क्योंकि भैया विंटर्स में सब जम जाता है, यहाँ लोग भी नहीं दिखेंगे। पता नहीं मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. मैं अपने इन दो दोस्तों के साथ में स्कैंडिनेविया पहुंचा। बड़े अरसे से ये इच्छा थी कि बर्फ पे गाड़ी चलानी है, एक ट्रिप करना है, लेकिन एडवेंचर को एक्सट्रीम बनाने के लिए हमने मोटर होम ही ले लिया। जी हाँ, अगले 10 दिन यही हमारी मोटर गाड़ी है और यही हमारा होम है। अब क्योंकि 10 दिन की ट्रिप है तो इसे 5 episodes में बांट लेते हैं। पहला एपिसोड, आर इंट्रोडक्शन टू स्नो, रादर स्नो स्टॉर्म। ओके, आपको लग रहा होगा सिचुएशन नॉर्मल है, बट हम ट्रैप हो गए। यू कैन सी दैट, ये बर्फीला तूफान है। आई विल शो यू समथिंग। ये देखो, आई डोंट नो आप देख भी पा रहे हो क्या। मैंने तो कभी स्नो में ड्राइव वाली चीज़ जो है उसको भी ज़्यादा इमेजिन नहीं किया था। यहाँ पे तो सीधा जो है ऑलमोस्ट स्टॉर्म आया है, बढ़िया तेज़ हवाएं चल रही है। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बता रहा हूँ तो आप देखो, लिटरली बर्फ़ जो है आके गिर रही है और एक मिनट में सब कुछ कवर हो जा रहा है। यहाँ साइड में तो अच्छा खासा बर्फ है और हम बर्फ़ के बीच में। लेट मी शो यू, अंधेरा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ़ जम गई। उफ शिट, गाड़ी फंस गई। अब देखो, आपको दिखाता हूँ मैं बर्फ कितनी है। ओ, ऑलमोस्ट 12-13 inch के आसपास। इट्स लाइक अ स्नो स्टॉर्म, माइल्ड स्नो स्टॉर्म, माइल्ड। पता नहीं माइल्ड था कि स्ट्रॉन्ग, बट दो सच्ची सच्ची बातें सुनो आप। पहली ये कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में था और सच में हालत खराब थी, और दूसरी बात ये कि ट्रिप ऐसे शुरू नहीं हुई थी। हमारा पहला दिन एक्चुअली बेहद ही अच्छा था। हमें उम्मीदें थी कि जो भी चीज़ें हम सोच के आए हैं वो इस ट्रिप पे पूरी करके जाएंगे। ये देखो आप, जब मैं पहली बार एक जमी हुई लेक पे चला तो क्या मासूम हंसी हंस रहा हूँ मैं। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से हम नॉर्वे के वेस्ट में जा रहे थे, लेकिन हमें पहले 30 घंटों में ही ये समझ आ गया कि जो टिपिकल प्लान्स हमारे हैं वो नहीं चलेंगे। जैसे कि कैंपिंग ग्राउंड्स में पार्क करके हम सोच रहे थे कि हम वहीं सोएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंपिंग ग्राउंड्स, इनफैक्ट 90% ऑफ द ग्राउंड जो है उन पर ग्राउंड नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, सब बंद है। हमने दिन में साइट सीइंग का सोचा था, लेकिन दिन सिर्फ 6 घंटों का होता है और उसमें भी कभी कभार मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि भैया कुछ भी देखने लायक नहीं बचता है। एक पहला ऐसा प्लांट स्पॉट था जहाँ हमें लगा कि वहाँ जाना है, हमें अच्छी जगह है, बट मौसम ख़राब हो गया है। हाँ, फॉर्चुनेटली मोटर होम है तो हम ऐसे ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, रेस्ट करना होता है, जहाँ पार्किंग में लगा के रेस्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट एरिया भी है, बट और मौसम के स्ट्रगल के साथ साथ आपको हमारे मोटर होम का स्ट्रगल भी दिखा देता हूँ, आओ। ओके जी, तो वक्त आ चला है मल जो है उसको साफ करने का। अंदर से बंद है ना वो स्लाइड के? हाँ, बंद है, बंद है। ओके, तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे कैसेट बोलते हैं इसको, टॉयलेट कैसेट। इसमें कोई गाने नहीं बजते हैं, इसमें गाने बजाते बजाते अंदर
हमें अपना सिस्टम करना होता है भाई, तो भर गया है पूरा। मैं बोल रहा था हैवी, पता नहीं उठेगा नहीं उठेगा। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, इसको घुमाओ, इसको खोलो, दूर हटो, ड्रॉप करो। अब हमने ऑब्वियसली इस कलर का नहीं किया है, ये इसके अंदर एक सिस्टम डलता है तो उससे होता है ये सब। इतने सालों का किया हुआ है आधा तो, आधे से ज़्यादा तो पानी है। टॉयलेट क्लीनर करके एक आता है, एक छोटी सी काइंड ऑफ क्लीनिंग एजेंट, वो इसके अंदर ड्रॉप करना होता है बाद में। और फिलहाल क्योंकि हमने यहाँ पे अपना बिजनेस कर लिया है तो ये दबा दो। उधर हमारा दूसरा बिजनेस हो रहा है, हमारे पास में होस नहीं था तो हमने इंडियन जुगाड़ लगाया। हर जगह इंडियन जुगाड़ बहुत काम आता है भाई, हमने उसको जो है उसमें चूड़ियाँ बना दी ऐसे कस करके। तो अभी हमारा पानी भर रहा है, तब तक मैं एक एसेट वापस इंस्टॉल करके आता हूँ। उसके बाद एक और काम करना है हमें। तो अगर पॉटी भी होती तो सेम कलर होती है, पॉटी भी होते तो ये ब्लू ही होता। हाँ अच्छा, डिजोल्व कर देता है? डिजोल्व नहीं करता है, मतलब ये कलर और केमिकल छोड़ता ताकि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। और फैसल भाई के विज्ञान को चुनौती देने वाले सवाल जारी थे, लेकिन हमें अब प्रोसेस में मजा आने लगा था कसम से। और आखिरी काम ये बचता है जो कि आपका ग्रे वाटर कहा जाता है, मतलब बेसिकली किचन विचन और नहाने वाने का जो पानी है वो यहाँ से आपको ड्रेन करना होता है। सिंपल है प्रोसेस। तो आज जो है हम नहाए नहीं, बिकॉज हमारा जो है पानी बहुत कम था, बट हमने पानी अभी रिफिल कर लिया है। और रिफिल करने के बाद में नज़ारे देखो आप, एक बार देखो आप, मतलब ऐसा होता है कुछ ऐसा ही है, दिस इज़ वेरी अनरियल। ये मैंने ऐसा फ़ोटोशॉप किया है, एकदम बहुत ही सुंदर फ़ोटोशॉप किया है। और मखमली चादर जो है ऊन की सड़कों पे हम चल रहे हैं, सफ़ेद ऊन की सड़कों पे हम चल रहे हैं, बट इट्स वेरी नाइस। सारे जो साइन बोर्ड्स हैं कि इतनी स्पीड है उतनी स्पीड है, सब चुप गए हैं, हम चले जा रहे हैं। पता नहीं हमारे टायर्स में ग्रिप है या नहीं है, ना स्नो चेंज है ना कुछ और है, बस चले जा रहे हैं। बर्फ जो है वो रात को भी ऐसे ही दिख रही होगी, बट रात को हमें पता नहीं चल रहा था, अभी हमें पता चल रहा है तो मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है तो मज़ा ले रहे हैं। बट ऑनेस्टली दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट रोड टू ड्राइव ऑन, मतलब इससे बेटर भी ऑप्शन थे हमारे पास, पर हमें ये नहीं पता था ये भी बेटर है। मौसम का यहाँ कोई भरोसा नहीं है, पल में तोला पल में माशा। अभी ऐसा दिख रहा है थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, ये देखो आई गई कहते कहते ही। अब ऑनेस्टली हमें मज़ा आने लगा था, हम कहीं भी पार्क करके सो रहे थे, और जब उठते थे तो अच्छे सुंदर व्यूज़ हमें देखने को मिलते थे, वहीं खाना बना लेते थे, और हमने आगे का प्लान भी डिसाइड कर लिया था। अब वो प्लान भैया कितना सक्सेसफुल होता है ये आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा मैं।